तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पिवट टेबल, और पिवट टेबल में हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। क्या है कि हमें दो तीन डेटा में से पिवट निकालना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे हमारे पास तो तीन शीट्स है। पहले तो पहले शीट में आप देख रहे हैं पहले शीट में हमारे पास सेल्स है, दूसरी शीट में हमारे पास पीआर प्रोडक्ट है, और तीसरी शीट में हमारे पास कस्टमर है। ओके, और मुझे इन तीनों का कंबाइन करके पिवट लगाना है। मुझे कंबाइन करके पिवट लगाना है, कैसे लगाएं? तो यहां हम क्या करेंगे कि वन बाय वन हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। करते जब पिवट हम लगाते हैं तो पिवट लगाते समय हम यहां एड दिस डेटा टू डोटा डेटा मॉडल सिलेक्ट कर देंगे। इस पहली बार में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, कर लिया। फिर ऐसे जो है दूसरे को भी एम चेंज करेंगे, इंसर्ट पिवट टेबल एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, एंड कस्टमर का भी सेम करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट पिवट टेबल एड दिस डेटा मॉडल। मतलब जितने भी आपके शीट्स जिसको आपस में रिलेट करना है, पहले उन सबों पे आपको क्या करना है, पिवट लगाना है। पिवट लगाते समय आप क्या करेंगे कि सबसे लास्ट में जहां दिख रहा है ना एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। समझ आ गया सर? ठीक, उसके बाद किसी भी पिवट टेबल जो आपका मेन पिवट टेबल है उस पे जाइए, पिवट टेबल एनालाइज में जाइए। आप देखिएगा आपका रिलेशनशिप एक्टिवेट हो गया होगा। इससे पहले रिलेशनशिप हमारा एक्टिवेट नहीं था, अब यहाँ रिलेशनशिप मेरा एक्टिवेट हो गया। अब इस रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे रेंज, और यहाँ हमने अपना रेंज रेंज मतलब कि देखिए पहले शीट को रेंज, दूसरी शीट को रेंज वन, और तीसरी शीट को इसने रेंज टू लिया हुआ है। तो रेंज वन का पीआईडी रेंज वन का पीआईडी बराबर है, समझ गए? तो हमें बताना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन क्या है। हमने बोला रेंज और रेंज वन में कॉमन क्या है, पीआईडी, एंड ओके किया। अब मेरा एक शीट और बच गया है कस्टमर, फिर न्यू पे किया और बोला कि रेंज, और रेंज का जो सीआईडी है वो रेंज टू के सीआईडी के बराबर है, ऑटोमेटिक ले लेता है सीआईडी के बराबर, देन ओके। तो दो रिलेशनशिप क्रिएट हो गया हमारा, हो गया ना सर? अब यहां हम क्या करेंगे, अपने सेल्स पे आएंगे, पिवट टेबल लिस्ट पे आते हैं, और यहां हमने सिलेक्ट कर लिया, मान लिया मुझे सिटी वाइज चाहिए, ध्यान देखिए ऑल ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, आपको ऑल ऑप्शन दिख रहा होगा। अब इस ऑल ऑप्शन में हमारे पास रेंज, हमें चाहिए रिपोर्ट कि किस सिटी में, हमें रिपोर्ट चाहिए कौन सा प्रोडक्ट, हमें रिपोर्ट चाहिए किस क्वांटिटी में सेल हुआ है। तो तीनों का डेटा यहां से आ गया ना सर, तीनों का डेटा? जी सर, क्लियर है? यस सर।
इस तरह से आप मल्टीपल शीट्स में पिवट को लगा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, जैसे कि इसमें अगर मैं पिवट ना लगाता तो मुझे यहाँ वी लुकअप लगाना पड़ता। सबसे पहले कस्टमर की डिटेल्स मुझे यहाँ पे लुकअप करनी पड़ती, फिर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स लुकअप करना पड़ता। तो हर जो लुकअप का काम जो है हम पिवट के अंदर ही देख लेंगे। क्लियर है? यस सर।